हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज आइसक्रीम स्टिक से और पिस्ता सेल से कुछ डीआईवाई बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है, थिक कार्डबोर्ड। इसे मैं साइज़ का सर्कुलर कट कर लूँगी, देखिए इस तरीके से। और सर्कुलर कट करने के बाद इसमें हम जो पिस्ता सेल्स आते हैं उसे इस पर अटैच करके इसे फ्लावर का शेप दूँगी। देखिए पहले इसमें इस तरीके से हम ग्लूगन लगा देंगे और ये जो पिस्ता सेल्स थी उसे इस तरीके से, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसी तरीके से एक एक करके अटैच करके इसे फ्लावर की शेप दे देंगे। देखिए मेरी फ्लावर रेडी है और इस तरीके की मैंने टोटल 3 फ्लावर बनाए हैं। और बीच वाले पार्ट में भी मैं इस तरीके से 3 पिस्ता सेल्स लगाऊंगी, क्योंकि ये बीच वाला पार्ट थोड़ा खाली लग रहा था तो इसे हम कवर करेंगे। तो इस तरीके से ग्लूगन से ही मैं इसके ऊपर ये लगा दूंगी और टोटल मैंने इस तरीके की 3 फ्लावर्स बनाई हैं। और जब ये तीनों फ्लावर रेडी हो जाएगी तो इस पर एक एक करके हम अलग अलग कलर कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट वाले में मैंने ब्लू कलर किया है और उसी तरीके से सेकंड पे पर्पल और थर्ड वाले पे मैंने रेड कलर किया है। तो पहले तीनों को हम कलर कर लेंगे और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और अब कुछ आइसक्रीम स्टिक लेंगे। टोटल मैंने यहाँ 12 आइसक्रीम स्टिक ली है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर कर लेंगे। 4 स्टिक में मैंने रेड किया है, 4 में ब्लू और 4 में पर्पल। इस तरीके से 3 टाइप के कलर्स मैं सारे स्टिक में लगा दूंगी और इसे अच्छी तरीके से हम ड्राई कर लेंगे कलर करने के बाद। और ये जब अच्छी तरीके से सूख जाएंगे तो इसे मैं इस तरीके से स्क्वायर की शेप देकर ग्लूगन की हेल्प से एक एक स्टिक को इसमें चिपका दूंगी। देखिए मैंने रेड कलर का एक स्क्वायर बनाया, इसी तरीके से ब्लू कलर का स्क्वायर बनाऊंगी और पर्पल कलर का स्क्वायर बनाऊंगी। और जब ये तीनों स्क्वायर बन जाए तो इसके ऊपर जो पहले हमने फ्लावर बनाई थी उसे बीच में इस तरीके से अटैच कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने नीचे में एक, बीच में एक, एक और ऊपर में इस तरीके से अटैच कर दी है। और यहाँ मैंने ग्लूगन का ही यूज़ किया है, इसकी जगह आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे वॉल पर टांगने के लिए उसके ऊपर मैंने एक ऊल वाली हैंगिंग भी लगा दी है, जिससे कि इसे वॉल पर टांगना आसान हो जाए। देखिए मैंने पीछे वाले साइड में भी इस तरीके से ग्लूगन लगाया है जिससे ये सिक्योर हो जाए। और ऊपर मैं एक ऊल की हैंगिंग बनाकर इस तरीके से लगा दूंगी जिससे इसे हम वॉल पर टांग सके। देखिए बनने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिख रही है। और अब मेरे पास ये पर्ल स्टिकर्स थे, पर्ल स्टिकर्स को मैं इस तरीके से जो हमारे आइसक्रीम स्टिक थे उसके ऊपर इस तरीके से लगा दूँगी, जिससे कि ये थोड़ी खाली खाली लग रही थी, इसे लगाने के बाद इसका लुक अच्छा लगेगा। सारे में मैं इसी तरीके से स्टिकर लगा दूंगी। और स्टिकर लगाने के बाद ये मेरे पास सुपर क्ले थी, उसे इस तरीके से मैं छोटे छोटे बॉल बना के यहाँ एक फ्लावर का शेप दे दूंगी। और फ्लावर का शेप देने के बाद इसे मैं इसमें अटैच कर दूंगी। इसे आइसक्रीम स्टिक पर अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ किया। पहले मैंने ग्लूगन यूज़ किया था लेकिन ग्लूगन में ये क्ले अच्छी तरीके से चिपक नहीं रही थी, तो बाद में मैंने फेविकॉल यूज़ करके इसे अटैच किया है जिससे ये काफ़ी अच्छी तरीके से ये चिपक गई है। देखिए मैंने पहले ग्लूगन लगाया था लेकिन ग्लूगन से ये अटैच नहीं हुई, बाद में खुल के गिर गई, तो मैंने फिर यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ किया। और अब पूरे फूल बनाने के बाद इसके ऊपर वाले पार्ट में भी मैं ये जो पर्ल स्टिकर थे उससे अटैच करूँगी जिससे कि ये देखने में अच्छी लगेगी।
तो चलिए सब अटैच करने के बाद अब इसका फाइनल लुक देखते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू एंड बाय।